Hey friends, I'm Radhika and welcome back to my channel. So in today's video, आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं ये मेकअप लुक आपके सामने क्रिएट करने वाली हूँ. ये बहुत ही न्यूड काइंड ऑफ मेकअप लुक है जिसको आप अभी फेस्टिव सीज़न आने वाला है उसमें क्रिएट कर सकते हैं. एंड इस लुक के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके अंदर किसी भी कलर का लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं इस न्यूड आई शेडो मेकअप के साथ में. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आगे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इलियाना की बहुत ही अच्छी आईब्रो पेंसिल है. इसके एक साइड में आपको कलर मिल जाएगा और एक साइड में स्पूली है. फिर मैं अपनी आईब्रोज़ को क्लीन करूँगी कंसीलर की हेल्प से. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का कंसीलर पैलेट. यह बहुत ही अच्छा कंसीलर पैलेट है. इसके अंदर ऑलमोस्ट इंडियन स्किन टोन के हिसाब से सारे शेड्स अवेलेबल हैं. और सेम कंसीलर को मैं अपनी आईलिट पे भी लगा लूँगी ताकि आई शेडो बेस रेडी हो जाए. फिर मैं इसको सेट करूँगी लैक्मे लूज़ पाउडर के साथ में. ये रोज़ पाउडर है, इससे क्रीज नहीं होगा और ये काफ़ी अच्छा पाउडर है. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो के लिए 7Cs का आई शेडो पैलेट, और एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से मैं अपने स्किन टोन से 2 शेड लाइटर स्किन कलर ले रही हूँ अपने आउटर क्रीज पे ब्लेंड कर रही हूँ. इसके बाद मैं ले रही हूँ ये डार्कर शेड सेम पैलेट से, और इसको फिर मैं अपने अंदर की साइड में क्रीज पे लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से. यहाँ पे मैं एक न्यूट्रल आई शेडो यूज़ कर रही हूँ ताकि मैक्सिमम लिपस्टिक्स या ब्लशेस इस मेकअप के साथ में जा सके. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये पीची ऑरेंज कलर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और मैं इसको अपने आईलेट पे लगा लूँगी अच्छे से पूरे में, और फिर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं जो क्रीज है उसको पूरा अच्छे से स्मज आउट कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे. मैं यहाँ पे अपनी फिंगर यूज़ कर रही हूँ दोबारा से डार्क कलर को यूज़ करने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन आएगा. और फिर उसको मैं दोबारा एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट कर लूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ये सिल्वरिश गोल्ड, लाइक रोज़ गोल्ड भी नहीं है, सिल्वरिश गोल्ड लिक्विड आई शेडो है. ये बहुत ही अच्छा आई शेडो है, बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ईजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हो. अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इससे अचानक से ना एक अलग अच्छा सा लुक आ जाता है. और क्योंकि ये फेस्टिव मेकअप लुक है तो थोड़ा सा ग्लिटरी आई शेडोज़ अच्छे लगते हैं. और फिर इसको सूखने के बाद में मैं फिर से एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि अलग से कोई भी हार्श लाइन ना दिखे. आप देख सकते हैं अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का ये ब्लू आईलाइनर और एक विंग आईलाइनर थिक लाइन के साथ में मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी. आई एम द पर्सन जिसको थिक लाइन आईलाइनर पसंद है. आप यहाँ पे किसी और कलर का भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एलन ब्लू का ब्लू आई पेंसिल, जिसको मैं अपने लोअर बॉर्डर लाइन पे लगाऊंगी.
नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का हैपकल मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, एकदम से आपकी आईलैशेस को लेंथ देता है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ चुका है। देन ऑफ कैमरा मैंने फेक आई लैशेज अप्लाई किए हैं। अभी मैंने दोनों आईज पे से मेकअप कर लिया है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना फेस पे मेकअप, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से। मैं यूज़ कर रही हूँ एन वाई बे का प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, और आप इसको मैं मेनली यूज़ कर रही हूँ अपने टी जोन पे, क्योंकि मेरा टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मैम मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, और मेरा शेड है इसमें 310। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है थोड़ा सा ही लेने से। और फिर मैं इसको पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी, और फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी एक ब्यूटी स्पंज की हेल्प से। इसको अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए अपनी नेक, ईयर, सब जगह। और ये एक डैम ब्यूटी स्पंज है, जिससे मैं इसको पूरे में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसका कवरेज आप बिल्ड कर सकते हो एक लेयर से, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा कवरेज देता है, क्योंकि अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी का मौसम है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन बिल्ड नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक लेयर पे इसको छोड़ रही हूँ, लेकिन हाँ, इससे आपके सारे डार्क स्पॉट या अन ईवन जो आपकी स्किन कलर है वो सब कुछ सेम हो जाता है। ईयर्स पे और नेक पे लगाना कभी भी फाउंडेशन को ना भूले, वरना आपका फेस, नेक और ईयर बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे। नेक्स्ट मैं सेम कंसीलर पैलेट से एक फ्लैट ब्रश पे अपने शेड से टू शेड्स लाइटर ले रही हूँ। अपनी अंडर आई पे मैं इसको कंसीलर को लगा रही हूँ। ये क्रीम बेस्ड कंसीलर है। अपनी नोज़ पे और अपने फोरहेड पे, जहाँ पे भी आपको हाईलाइट करना है, वहाँ उन एरिया उस पे मैं इसको लगा रही हूँ, अपने चीक बोन्स पे, चिन पे। और फिर सेम ब्यूटी डैम स्पंज की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। अभी मैं मिस रोज़ के आई पैलेट से एक ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, जिसको मैं एज कॉन्टोर यूज़ करूँगी एक ब्रश की हेल्प से। मैं थोड़ी लाइट कॉन्टोरिंग रख रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ। मैं कंटूरिंग कर रही हूँ अपने चीक्स पे, जॉ लाइन पे, नोज़ पे और आउटर फोरहेड पे। इससे आपके फेस को एक अच्छी सी शेप मिल जाती है। अब मैं लैक्मे रोज़ पाउडर, जो लूज़ पाउडर है, उसकी हेल्प से इसको, जो मैंने कंटूर किया था क्रीम कंटूर, उसको सेट कर लूँगी, ताकि वो क्रीज ना हो जाए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लश। ये बहुत ही अच्छा ब्लश है, ये मुझे किसी ब्यूटी बॉक्स के अंदर मिला था। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये शिमर ब्रिक। ये इन कलर की शिमर ब्रिक है और बहुत अच्छी है।
नॉर्मल अपने सारे हाईलाइट एरियाज जितने भी होते हैं मैं उन सब जगह पे हाईलाइटर लगाने वाली हूँ, अपने चीक एप्पल चीक्स बोन पे, देन ब्राउ बोन पे, टिप ऑफ नोज एंड देन माय फोरहेड। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये लिक्विड आई लिक्विड लिपस्टिक इन शेड रेड। ये बहुत ही प्यारा कलर है, दो ये बहुत जल्दी हट जाता है और ट्रांसफ़र प्रूफ भी नहीं है, पर मुझे ये कलर बहुत पसंद है। आप इस मेकअप के साथ में कोई सा भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। फाइनल में इस मेकअप को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ और फिर सेम डैम ब्यूटी स्पॉन्ज के थ्रू मैं इसको एक बार और फिर से डैप डैप कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें सील्ड हो जाएं। और ये है मेरा फाइनल लुक। आप इसको सूट्स के साथ कैरी कर सकते हैं, साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेशेंस।